हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की बायोग्राफी बाय विवेक बिंद्रा जी, और मेनली केस स्टडी है। और उन्होंने अपने तरीके से इसको पेश किया है और वो बताना चाह रहे हैं किस तरीके से, लाइक वो स्टोरी बता रहे हैं। हमने जो है उनके बारे में देखा जाए तो बुक्स में ही पढ़ा है, और वो भी इतना नहीं पढ़ा, लाइक पूरी डेडिकेटेड कोई चैप्टर नहीं था, ऐसा नहीं था। लेकिन कुछ स्टोरीज पढ़ी हुई हैं और गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में उनके पढ़ा हुआ है, तो ऐसी थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। पर जो मेन यहाँ पे देखने को मिलेगा वो यहाँ देखते हैं वो किस तरीके से स्टोरी को बताते हैं। और मेनली है कि विवेक बिंद्रा जी माने जाते हैं कि बहुत मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और वो मतलब आपको अपनी सीट से खड़ा होने मजबूर कर देते हैं। तो वो ये स्टोरी किस तरीके से बताते हैं वो भी देखने लायक होगा। यस, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में हमने वैसे भी बचपन से भी काफ़ी कुछ पढ़ा है, बुक्स में इनके बारे में काफ़ी कुछ आता था। इनकी स्टोरीज काफ़ी मोटिवेशनल रहती थी। एंड ये बॉर्न हुए थे 1630 में शिवनेरी फोर्ट में, एंड मराठा एम्पायर के भी ये फाउंडर थे, है ना। एंड इनकी जो एक मूवी का भी हमने रिएक्शन किया था तानाजी, उसमें भी लास्ट का सीन हमने देखा था कि किस तरीके से इन्होंने अपनी फाइटिंग की थी, तो काफ़ी अच्छा सीन लगा था वो भी। एंड अब ये मोटिवेशनल स्पीकर जो है विवेक बिंद्रा जी, इन्होंने इनके बारे में काफी अच्छे से बताया है, तो देखते हैं कि ये वीडियो कैसा रहता है। वहाँ पे तो उनकी वो तानाजी मूवी तो उनकी लीडरशिप स्किल्स देखने को मिली थी। देखते हैं बाकी और क्या स्टोरी देखने को मिली है। तो आप भी देखो, हम देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। आज बात करूंगा छत्रपति शिवाजी के विषय में। मराठाओं के दिल में बड़ी गहरी जगह बनाई। 1630 में जन्म लिया, 19 फरवरी पिता शाहजी भोसले, माँ जीजाबाई। पिता शाहजी भोसले तो उस समय मुगलों की सेवा में लगे हुए थे, जो ज़्यादा उस समय अवेलेबल नहीं रहा करते थे। तो माँ जीजाबाई जिन्होंने ज़्यादा समय बिताया छत्रपति शिवाजी के साथ में। शिवाजी छोटा सा बच्चा, उसको बचपन से ही महाभारत से लेकर रामायण तक, रामायण से लेकर भगवद्गीता तक और सारी पौराणिक कथाएँ उनको सुनाया करती थी। असर क्या हुआ, छोटी उम्र से ही एक स्वाभाविक नेचुरल लीडरशिप शिवाजी के अंदर देखने लगी। छोटा सा बच्चा, लेकिन वहीं पे मावल नाम की एक जगह, एक स्थान जहाँ पे कई गांव हुआ करते थे, जो पुणे के नज़दीक था, आज का जो पुणे है ना महाराष्ट्र में, उधर ही मावल के पिछड़े और गरीब लोग, लेकिन वो उनमें साहस बहुत था। तभी शिवाजी ने देखा, 12-15 साल की उम्र में ही उसने देखा, वहाँ पे 3 साल उन जंगलों में वहाँ घूमता रहा, लोगों के बीच में रहा, तो उसने देखा ये लोगों में ताकत बहुत है, शक्ति बहुत है, पर ये अनगाइडेड मिसाइल है। एक दिन उसने सारे दोस्तों को और वहाँ पे गांव के कई लोगों को इकट्ठा किया और उनको क्या बताया कि मराठाओं को मुगलों के नौकर के रूप में जाना जाता है, और ये जो नौकर होता है ना, ये जो गुलामी है, ये एक ऐसी सिचुएशन में ही लीडर पैदा होता है। इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इस गुलामी को तोड़ना है, मराठाओं को इससे बाहर निकलना है। तो ये निजामी शाह, आदिल शाह, इनके चंगुल से मराठाओं को पहली बार बाहर निकालने के लिए ये गांव वालों को उन्होंने तैयार किया, खंजर निकाला और अपना रक्त निकाल के काट के भगवान के शिवलिंग का रक्त अभिषेक कर दिया। और तभी इन्होंने ऐलान किया कि मैं स्वराज यात्रा निकालना चाहता हूं। ये स्वराज यात्रा, ये क्या कहते हैं, गुलामी एक मानसिकता है। क्या है, एक मानसिकता है, आप गुलाम अपनी मानसिकता के कारण है। और वहां पे गुलामी की मानसिकता से मराठाओं को निकाल के खड़ा करने के लिए, अब टीम तो छोटी थी, मैन पावर थी नहीं, रिसोर्सेस थे नहीं, उतने फंड्स थे नहीं, उतनी पीछे से सपोर्ट और ताकत और कोई अलायंस अभी तक था नहीं, तो शुरुआत बहुत इंटेलिजेंटली। देखिए ये जो थे ना, ये व्यक्ति छत्रपति शिवाजी, सारे सुनिए, भारत को पता होना चाहिए छत्रपति शिवाजी एक कंबाइंड अवतार मान सकते हो आप, महाराणा प्रताप के शौर्य और उनकी ताकत और उनके साहस का, और कौटिल्य चाणक्य पंडित की उनकी बौद्धिक शक्ति, उनकी बुद्धि और उनकी कुटल नीतियों का, ये कंबाइंड अवतार थे। तो ये क्या करते हैं, छापामार युद्ध करते हैं, द्विकंटक नीति के साथ जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गोरिल्ला वॉरफेयर। और गोरिल्ला वॉरफेयर इसे कहते हैं गनीमी कावा, छोटी उम्र के अंदर इतना इंटेलिजेंस। गनीमी का मतलब क्या है, दुश्मन, और कावा मतलब उसको बेवकूफ बना के हराने की टैक्टिक्स। ये ऐसे टैक्टिक्स से लड़ते थे, इनको पहाड़ी चूहा बोलते थे, कि पहाड़ों के अंदर से कहां से निकल के, कहां से निकल के, किधर से निकल के आके दुश्मन पे अटैक करेंगे। छोटी सी सेना इन्होंने शुरू करी थी और अपना साम्राज्य दक्षिण से लेकर के ऊपर तक, गुजरात तक, इधर राज बहुत जगह फैलाया। एक बार उधर ही के मुगल राजा आदिल शाह ने मराठाओं के बीच में से इनके पिता को उठा करके जेल में डाल दिया, कारावास दे दिया, और ये बहुत दिन तक सोचने लगे कि क्या करें। और तभी देखिए उसी समय में शाहजहां भी था दिल्ली के अंदर, और शाहजहां भी हालांकि है वो भी मुसलमान और आदिल शाह भी मुसलमान, लेकिन पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है ना, तो मुगल राजाओं को उन्होंने आपस में कैसे भरवाया, उधर उनको उनको सपोर्ट और अलायंस की बात करी, इतने मास्टर अलायंस के मामले में, कब कहां सेम रीजन, शाहजहां को बोले कि आप इस पर इन्फ्लुएंस डालो, ये मेरे पिता को छोड़े, और शाहजहां उनकी बात मान गए।
शाहजहां को उन्होंने बोला कि तुम्हारे कई युद्ध होने वाले हैं नॉर्थ में, और उस समय पीछे से अगर तुम्हें यहां से मदद की जरूरत पड़े तो मैं छत्रपति शिवाजी तुम्हारी मदद करूंगा, इसको बोलो आदिल शाह को मेरे पिता को छोड़े, छुड़वा दिया। छत्रपति शिवाजी इनके लिए युद्ध काम के टाइम खतरे को बाबा में पड़ता है, लड़ना भले ही जरूरी ना हो, कई बार तो ये लड़े बिना भी युद्ध जीत जाते थे, यही तो उनकी चतुराई थी। इसे क्या कहते, सामने वाला सरेंडर कर देगा सॉर्ड निकाले पहले, सॉर्ड निकालने से पहले सरेंडर बिफोर द सॉर्ड कम्स आउट। इनकी बुद्धिमता क्या थी कि ये एनिमी से अलायंस क्रिएट कर लेते थे, जो इन्हें बर्बाद करने आता था वही इनको आबाद करके जाता था। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में बड़े मास्टर थे, ये नहीं कि एक ही जगह लगे रहे, साथ साथ पैरेलल लीडरशिप बिल्ड करते थे। उधर कोंकण कोस्टलाइन के पास में जो आज का गुजरात है, महाराष्ट्र है, आज का गोवा है, आज का नीचे तक कर्नाटक है, ये पूरी कोस्टलाइन पे इन्होंने एक नेवी बिल्ड करी, नेवी की सेना, समुद्री सेना को तैयार किया। एक्चुअली छत्रपति शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी बोला जाता है। और एक और बात आप सीखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस का मतलब क्या है, आने वाले समय में सिनेरियो ए होगा तो मैं ऐसे लड़ूंगा, बी होगा तो ऐसे लड़ूंगा, सी होगा तो ऐसे लड़ूंगा, सिनेरियो की तैयारी पहले रखनी चाहिए। उस समय वहां का तानाशाह आदिल शाह, जो उस समय तक शिवाजी से बहुत तंग आ चुका था, बहुत परेशान हो चुका था, इन्होंने अपने सबसे बड़े सेनापति, सबसे चीफ जनरल अफजल खान को भेजा कि अफजल खान इसको खत्म करके आओ किसी तरीके से। अफजल खान जानता था शिवाजी एक ईमानदार आदमी है, तो उसको एक प्रपोजल भेज दिया, शिवाजी मैं तुमसे अकेले मिलने आऊंगा, संधि करना चाहता हूं, अकेले मिलोगे मुझसे? ये अकेले में वाली सिचुएशन कभी सही नहीं होती, कोई समस्या नहीं। अफजल खान ने बोला नियम यह है, ना तुम्हारे पास कोई सेना ना मेरे पास कोई सेना, मैं भी अकेला तुम भी अकेले, ना तुम्हारे पास कोई अस्त्र शस्त्र ना मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र। अफजल खान जानता था छत्रपति शिवाजी एक बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, हाँ बोल देंगे तो ऐसे ही बिना शस्त्र के खड़े भी हो जाएंगे। उनसे ढाई गुना लंबा चौड़ा अफजल खान आकर के गले मिलने लगा शिवाजी से, अब छोटे से शिवाजी, और पीछे से खंजर निकाल करके पीठ में घुसा दिया। प्रिपेयर्ड थे पहले ही शिवाजी, पहले ही प्रिपेयर थे, एक ऐसी लोहे की उन्होंने बुलेट जैकेट पहनी होती, पावरफुल उन्होंने उस टाइम बुलेट प्रूफ जैकेट थी, जिससे कितने भी खंजर डालो अंदर घुसे नहीं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता था। वो जानते थे कि ऐसा हो सकता है, ईमानदारी पूरी रखते लेकिन प्रिपरेशन भी रखते, इसको बोलते हैं सिनेरियो, अगर सी निकल आया तो उसकी प्रिपरेशन भी रहे। हाथ पीछे से खींचा और उनका सिंह नख बाहर निकल आया, और वो जो सिंह नख नाम का उनका जो चाकू होता है ना, वो चाकू शेर के पंजे जैसा इतना सॉलिड कि उसको घुसाया पेट में, अफजल खान का किडनी वहां से बाहर निकाल दी फाड़ के। और यहां रुके नहीं, इसको मारते ही अब इसकी सेना का पूरा मनोबल तोड़ दिया, उनकी मानसिक दशा को कमजोर करके उनका प्रतापगढ़ किला जीत गए। सबसे बड़ी लर्निंग एक और है, पहले तो प्रिपरेशन रखो पूरी वर्ल्ड के लिए, और उसके बाद अगर जीत गए या हार गए उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, अगले के लिए चालू कर दो। अभी इतनी बड़ी जीत मिली कि यह नहीं कि मतलब अब जाके बैठ के आराम करें जी, बहुत बड़ा किला जीत गए, बहुत बड़ा किला जीत गए। 18 दिन के अंदर अगला किला पनहल का, फोर्ट ऑफ पनहल, उसको भी कैप्चर कर लिया। अच्छा एक हारने का उदाहरण भी देखिए, मिर्जा राजा जयसिंह उस समय हुआ करते थे, अब इन्होंने मुगल लोगों ने राजा जयसिंह को मिर्जा बना लिया था, अपने साथ जोड़ करके अपनी सेना में ले लिया। एक दफा मिर्जा राजा जयसिंह ने इनको एक युद्ध में हराया और इनसे पुरंदर की ट्रीटी साइन करा ली। पुरंदर की ट्रीटी साइन कराते वक्त इनके 23 किले इनसे छीन लिए गए, और 23 किले अब इनके हाथ से निकल गए, वो उनके लिए हार थी, हाँ हार थी, लेकिन हारने के बाद भी नहीं रुकते, ये क्या किया, कम ऑन बाउंस बैक, कम ऑन, क्या याद है ना आपको बाउंस बैक, और कैसे बाउंस बैक किया, पुरंदर की संधि में 23 किले हाथ से निकल गए, हाँ निकल गए, लेकिन रुकना तो है नहीं। अगले कुछ सालों के अंदर 23 किले हारे पर 360 किले और जीत गए, 360 किले, 360 ना कई मैनचेस एक के बाद एक, एक के बाद इनकी लड़ाई किसी भी प्रकार से किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं थी, इनकी लड़ाई थी मराठाओं की रक्षा करने के लिए, ये मराठाओं के लिए खड़े, ये मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं, मुगलों के अगेंस्ट थे, वो मुगल जो विदेश से आए उनके अगेंस्ट थे, क्योंकि मुसलमान तो उनकी टीम में बहुत सारे थे, इनके कई सारे बड़े बड़े आर्मी के जनरल ही मुसलमान हुआ करते थे, इनके कई दोस्त भी मुसलमान थे, इनके जो एक अपनी टीम के वजीर आजम वो भी मुसलमान थे, इनके कई गुरु भी मुसलमान थे, लेकिन ये मुगलों के खिलाफ थे जो आके मराठाओं को तंग करके उनको नौकर बनाया था। बाहर से आके मुगलों ने मराठाओं को जो तंग किया उनकी पीड़ा को, वहीं से इन्होंने टीम को नीचे नीचे से इकट्ठा करके छापा मार युद्ध से आज इतनी बड़ी सेना खड़ा कर ली। अच्छा एक बात और जो इस वीर मराठा को मुगलों से अलग करती थी, वो खास बात थी इनका स्त्रियों के प्रति विशेष सम्मान, क्या
बोलते थे, माँ औरतें और बच्चे इनको कोई तंग नहीं करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ये जो इनकी लीडरशिप विजडम थी ना, ये बचपन में महाभारत भगवद गीता रामायण पढ़ने से जो इनके अंदर आई, ये इन्होंने अपने सैनिकों में भी कूट कूट के डाल दी थी कि अगर किसी, देखिए जहाँ उसी समय मुगल लोग औरतों को उठा लिया करते थे, उनका अपहरण करते थे, उनका रेप कर लेते थे, उनको उनके मंदिर तोड़ना, उनको मारना पीटना, वहीं ये क्या बोले किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करेंगे, किसी दूसरे की स्त्री को गलत नज़र से कभी देखेंगे नहीं, और अगर मेरा कोई सैनिक देखते हुए मिल गया तो उसको ख़त्म कर दूंगा। इन्होंने वो वैल्यूज अपनी टीम के अंदर डाल दी। इनकी ये क्वालिटी ने इनको इतनी रिस्पेक्ट अर्न करी, इतनी रिस्पेक्ट अर्न करी कि लोग अपनी जान देने लग गए। इस वीर मराठा की कथा मैं चाहता हूँ पूरे देश तक पहुँचे। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी थी इनकी। लाइक ऑफकोर्स हमने स्कूल से पढ़ा हुआ था, बट इतना कुछ ऑफकोर्स इनके बारे में नहीं पता था। बट जिस तरीके से इन्होंने समझाया, पूरा बताया कि कैसे उनकी मदर जो है वो बचपन से उन्हें रामायण भगवत गीता सबके बारे में बताती थी, एंड इसीलिए उनके अंदर ऐसे उनका नेचर ही ऐसा हो गया कि सबकी हेल्प करना एंड जो उन्हें अचीव करना है वो अचीव करके रहना, हार ना मानना। एंड ये बात मुझे सबसे इनकी बहुत बड़ी बात लगी कि इनके हाथ से 23 वो फोर्ट्स चले गए। कोई भी इंसान होता वो लाइक नाराज होके या फिर ऐसे होके बैठ जाता सैड होके, बट ये बैठे नहीं, ये सैड नहीं हुए, उल्टा इन्होंने सामने से और 360 फोर्ट्स अचीव किए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ऑफकोर्स। एंड दूसरी बात ये थी कि ये फादर ऑफ नेवी कहलाए जाते थे, लाइक हाँ इंडियन नेवी। ये बात तो ऑफकोर्स आज ही पता लगे कि ये फादर ऑफ इंडियन नेवी कहलाए जाते थे, अपने आप में भी बहुत बड़ी अचीवमेंट और बहुत बड़ी बात है। तो पूरा वीडियो काफ़ी मोटिवेशनल था, एंड एंड में इन्होंने जो बताया कि ये वुमेन्स की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, ये तो ऑब्वियस है बिकॉज ऑफकोर्स वो जो बचपन से सुनते आ रहे थे रामायण भगवदगीता एंड ऑल दैट, तो उसमें से उनके अंदर ये नेचर आता ही। बट एट द सेम टाइम वो जो भी कोई वुमेन्स के साथ, गर्ल्स के साथ खराब करता था उनको ये सज़ा भी देते थे, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी। तो ओवरऑल वीडियो बहुत ही अच्छा था। वही, और ऊपर से मेन चीज़ ये भी कि जिस तरीके से मराठाओं की हिस्ट्री है वैसे ही हमारे सिखों में भी हिस्ट्री है। हाँ एक्चुअली मुझे बीच में देख देख के याद आ रहा था हमारा भी उसी तरीके से, हमारी भी ऐसे रिच हिस्ट्री है, और यही जो जैसे शाहजहाँ है इन्हीं टाइम पर हमारी भी हिस्ट्री चल रही थी, तो काफ़ी सिमिलर टाइम फ्रेम में भी हिस्ट्री चलती है और काफ़ी सिमिलर टाइप ऑफ हिस्ट्री भी है कि हमारे में भी यही था कि रिसोर्सेज की हमेशा कमी थी, एंड उस तरीके से आपको धीरे धीरे कर करके अपना ऊपर लेके जाना है। एंड फिर जैसे इन्होंने किया था कि वो संधि करके वो दे देना, उन्होंने अपना सब सारे किले दे दिए थे, तो वैसे ही हमारे में भी आपको बहुत ऐसे गुरुओं की स्टोरी मिल जाएंगी जिसमें ऐसा बहुत बार ऐसे किया हुआ है, तो बहुत रिलेटेबल स्टोरी थी। और वैसे ही बहुत अटैचमेंट फील होती है कि ये ऐसे लड़ लड़के ही अपने उस धर्म को या फिर आप कह सकते हो अपने पूरे एम्पायर को खड़ा किया था, तो वो बहुत सही लगा। एंड जिस तरीके से वो पूरी स्टोरी बताई गई मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके से विवेक बिंद्रा जी ने वो पूरी स्टोरी को हाईलाइट किया एंड उसके एक एक पॉइंट बहुत कमाल किया, और बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली यहाँ पे छत्रपति शिवाजी जी के बारे में। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएगा, और भी कोई ऐसी कमाल की वीडियो तो वो भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएगा। ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।